कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज रमजान का 21वां या 22वां रोजा है और हम लोग निकले हैं बाहर सहरी करने के लिए, बाहर अफ्तार करने के लिए। पूरे रमजान में आज मैं पहली बार थोड़ा एंजॉय करने के लिए बाहर निकली हूँ, क्योंकि पूरा टाइम तो फ्रैक्चर में ही टाइम गुजर गया और इतना ज्यादा टाइम गुजरा और फिर अब शॉपिंग वगैरह में हम लोग निकले, मतलब आखिरी अशे में हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा पाँव बहुत 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 हद तक बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज हम लोग निकले हैं अफ्तार करने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे। तो आप लोग को बिल्कुल अपडेट दूंगी कि क्या क्या हमने किया, कितना एंजॉय किया। ये सफान भी रेडी है, फरहान भी रोजे में, जिनको बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है, सुनाए जा रहे हैं। और ये मेरा सबूर और ये मेरी छोटी सी, आप कौन हो बताओ कौन हो? एजल। तो अब हम जा रहे हैं, अभी हम लोग निकले हैं और अफ्तार में सिर्फ 15 मिनट रह गए। कब से कह रही थी इनको कि चलो जल्दी निकलते, लेकिन नो, निकल ही नहीं सकते हम लोग जल्दी, ले लो। तो हम लोग यहाँ से लेने लगे रोल और समोसे, पता नहीं लेने कहाँ से लगे, मैंने तो यहाँ से ना। और लॉ जोर बोल रहे, गाड़ी कहाँ लगाऊं? अफ्तार का वक्त होने ही वाला है और लोग का रश देखेंगे कितना शिद्दत का रश हुआ हुआ है यहाँ पे। हमें किसी ने केले दिए ताकि हम लोग अफ्तार कर लें, और जो है रूअफजे की बोतल जो हम लोग लेकर आए। हमारा कुछ प्लान था कि समंदर, साहिले समंदर पे जो है समंदर पे रोजा खोलेंगे, बट जो है टाइम इतना हो गया, मुझे लगता है हम ना पहुंच पाएंगे, रास्ते में ही रोजा खुल जाएगा। और इतना ज्यादा रश हुआ हुआ है, यू कैन सी। यहाँ पर फरहान उतरे हैं कीमे का समोसा लेने के लिए। ये बंदा वैसे कभी भी कुछ लेने नहीं जाते, ये आज फर्स्ट टाइम लेने के लिए उतरा है। ये देखिए ना, हमारे घर की अफ्तारी जो है धनान पे लेकर आते हैं। यहाँ पे कोरंगी का मशहूर है गुलिस्तान स्वीट्स एंड बेकर्स, यहाँ से समोसे लेने के लिए उतरे हैं ये, और एक कीमे का समोसा भी मंगवाया मैंने, मेरा दिल कर रहा है। वैसे अफ्तार से पहले ऐसा और होता है हम ये भी मंगवा लें फिर, लेकिन अफ्तार जब सामने आता है ये होता है नहीं, ऐसा लगता है दिल नहीं कर रहा, बस पानी पियो और बस। फाइनली हमने रोजा खोल लिया है। रोजा खोलने के बाद ऐसा लगता है बस खामोशी, सुकून, खामोशी से बैठे रहो, लेकिन हम सीवियो तक नहीं पहुंच पाए। हम अपने ही रेस्टोरेंट पे आके हम लोगों ने बिरयानी खाई, रूह अफ़ज़ा हम लोग साथ लेकर आए थे, समोसे ले लिए थे, गाड़ी में ही बैठकर हम लोगों ने अफ्तार करा। मजा आया आज के अफ्तार में? क्या मजा आया, कहीं ले जाने की बजाय यहीं पर लेकर आ गए। बोलो, अपना अपना होता है, अपना अपना होता है, तो कहीं और जाके भी हम पैसे ही देके खाते हैं। इधर हमने पैसे नहीं दिए, चलो नहीं दिए, लेकिन दिल करता है कहीं और जाके खाने का, दिल करता है कहीं और जाके पैसे दें। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। तो हम लोगों ने अफ्तार कर लिया है, अब हम लोग को आगे निकलते हैं, देखते हैं अब हम लोगों ने कहाँ जाना है। तो बच्चों को जो यहाँ पे अम्मी के घर पे छोड़ के जाना था, क्योंकि अम्मी का घर ही तो होता है जहाँ पे हम बच्चों को छोड़ जाते हैं। वैसे मेरी सास भी रख लेती हैं और कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती, बट मसला ही होता है मेरे बच्चे जो हैं भागम दौड़ी वाले करते हैं, और साजन जो हैं वो इन लोगों के पीछे पीछे नहीं भाग सकती हैं, इसलिए मैंने कहा मैं इनको यहाँ पे छोड़ दूँगी, यहाँ से तो ये लोग गली में भी नहीं जा सकते, है ना। तपन कहाँ जाओगे? तपन कहाँ जाना है? नान अम्मी के घर जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे? आपके साथ लिपटे जाएंगे। नहीं, और बच्चों को पता चल गया है कि हम लोगों ने, इन लोगों ने नाना मम्मी के घर जाने, इसलिए फिर मैं वीडियो बना रही थी कि ये लोग जान चुके। तो भाई आखिरकार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग पहुँच ही चुके थे लकी वन मॉल, क्योंकि हमें करनी थी ईद की ढेर सारी शॉपिंग, जो कि हर लड़की बड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है शॉपिंग के लिए, और लड़कियों का मूड ही तब ठीक होता है जब उनको ढेर सारी शॉपिंग करवा दी जाए। यहाँ पे फरहान के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ कर लड़ कर मैं इनको शॉपिंग के लिए लेकर आई थी, क्योंकि पूरा टाइम इनका यही था तुम खुद लेके आ जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। बट मैंने
बड़ी जिद करी कि नहीं प्लीज़ आप मेरे साथ चलो। तो वो फाइनली इस बात के लिए रेडी हो गए कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे लकी वन मॉल। यहाँ पे हमें सारे फ्लोर्स फुल मिल रहे थे, यहाँ पे कहीं पर भी पार्किंग की जगह हमें नहीं मिल रही थी। इतने मतलब 3-4 इनकी फ्लोर्स हैं पार्किंग के लिए, बट हमें कहीं पर भी पार्किंग नहीं मिल रही थी। बट फिर फाइनली हमें पार्किंग मिली। उसके बाद गाड़ी से उतरने के बाद हरीश ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, ट्रॉली लियो, सारे बच्चों को उसमें डालकर बच्चों को झूला झुलाते हुए लेके गए। क्योंकि एक मामू ही तो होते हैं जो बच्चों को इतने ज़्यादा लाड उठा रहे होते हैं, क्योंकि मामू मतलब माँ और मुँह मतलब दो दो रिश्ते होते हैं। वैसे मेरे बच्चे अरीश माम को जो ईश माम कहते हैं, तो मतलब एक ये नया वर्ड निकाला था मेरे बच्चों ने, ईश माम। मैंने रैयान वगैरह ने निकाला, उसके बाद मेरे बच्चों ने भी वही कॉपी किया माम कहना। तो यहाँ पे बच्चों ने एंट्री करी और उसके बाद ही जो हंगामा शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बस अब बच्चों ने ये भी लेना है वो भी लेना है। और साइट में इन लोगों को मिल गए झूले, सॉरी झूले नहीं, खिलौनों की शॉप, जो कि वहाँ देखकर तो समझ लें आप लोग के यकीन करें वही हाल हुआ होगा जो आप लोग के बच्चों ने किया होगा। बट सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए कॉर्न्स फ्लैक्स, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे और फरहान दोनों को ही बहुत पसंद है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने बोला चलो शूजी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने हम लोग सबसे पहले पहुँचे फर्स्ट स्टेप, काफ़ी ज़्यादा मैंने शॉप से सर्च करी तो मैं मुझे एजल के जो शूज़ मिल रहे थे वो 5000 प्लस मिल रहे थे। तो मैंने बोला इतने एक्सपेंसिव में इतनी सी बची कि नहीं लूँगी। तो हम लोग पहुँचे फर्स्ट स्टेप, वहाँ से मैंने एजल के शूज़ लिए। यहाँ पे भी कम वैरायटी थी, बट मैंने ऐसे करके लिए कि दो शूज़ शॉप से ले लिए, एक किसी और शॉप से लिए, इस तरीके से मैंने उसके शूज़ पूरे करे। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा खास बच्चों की वैरायटी नहीं लगी, बट ये वाइट वाला शूज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने फ़ौरन ही साइज़ निकलवा लिया। दूसरी तरफ जो थे फरहान, अपने शूज़ भी ट्राई करे थे, मैंने कहा तुम वक्त ज़ाया करने से बेहतर है आप अपने शूज़ देखें, मैं एजल के शूज़ देखती हूँ। तो अरीश यहाँ साइज़ कन्फर्म कर रहा था। मैं एज़ यूजल उन देसी मॉम्स की तरह हूँ जो बच्चों का हर साइज़ बड़ा लेती हैं ताकि वो 1-1.5 साल तक चलें, बट हमें पहनाना वही टाइम होता है कि मेला हो गया, ख़राब हो गया, टूट गया, फोड़ गया, उसके बाद हमें एक्सपायरी करना होता है। बट फिर भी मैं बड़ा ही लेती हूँ, क्योंकि सॉक्स भी पहनाने, तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है, मतलब मेरी अम्मी के माइंड मेरे दिमाग में कि हमेशा जब भी बच्चों की चीज़ लो तो एक साइज़ बड़े लो ताकि वो आगे तक पहन सकें। और इस तरीके के बच्चे जो हर महीने ही माशाल्लाह से अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो इन लोगों की तो हमें चीज़ें लेनी ही बड़ी चाहिए। और यकीन करें मैं सबूर के कपड़े इतने बड़े ले लेती हूँ तो कि जब तक वो एक्सपायर हो रहे होते हैं, मतलब ख़राब हो रहे होते हैं, तब तक भी वो इतने बड़े होते हैं कि ऐसा लग रहा होता है किसी और के बच्चे के मांगे हुए मैंने कपड़े पहना दिए। खैर बट वो फिर प्लस मैं फिर भी ऐसे ही लेती हूँ। यहाँ पे फरहान अपने शूज़ पसंद कर रहे, तो पूछ रहे थे कि बताओ मैं कौन से शूज़ लूँ। तो उसके बाद ये जो राइट हैंड पे पड़ा हुआ है लाइट ब्राउन कलर का सूट शूज़, मैंने हम लोगों ने ये डन किया। उसके बाद मतलब एक लोफर और एक हमने शूज़ लिए, सैंडल हम लोग को पसंद नहीं आ रही थी फर्स्ट डे के लिए, तो हमने सैंडल को स्किप किया। उसके बाद हमने एक हमने क्या बोलते हैं लोफर और एक शूज़ लेकर डन किया। तो उसके बाद भी फरहान को थोड़ा डाउट हो रहा था शूज़ में, क्योंकि शूज़ जो थे इतने एक्सपेंसिव थे, मतलब 21-22 हज़ार कोई मतलब अहमियत ही नहीं रखता। और कैट के शूज़ तो थे ही बहुत अच्छे, बट फिर भी इन्होंने कैट के शूज़ लिए, इन्हें वही अच्छे लग रहे थे। मतलब इन्होंने जो लेफ्ट हैंड नहीं इनका राइट है, राइट हैंड पर जो शूज़ है इन्होंने जो अभी इस वक्त पकड़ा हुआ, इन्होंने ये वाला डन किया। और अरीश यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर बहुत महंगे शूज़ हैं, वाकई शूज़ महंगे थे क्योंकि यहाँ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मेरे तो सर ही इतना भारी हो गया था घूमते घूमते सैंडल्स की सिलेक्शन करते हुए। सो फाइनली यहाँ पे जितनी भी मेरी तरफ की सैंडल्स हैं वो सारी मेरी थी। मैंने अपनी सैंडल्स लेते हुए पता नहीं क्यों वीडियो नहीं बनाई, या फिर हाँ मेरा मोबाइल अरीश के पास है जिससे मैं अपनी वीडियोस नहीं बना पाई। उसके बाद हम आगे बढ़े, मैंने बच्चों की ये वाली शर्टें ली। ये हिप किड्स के नाम से शॉप थी, और यहाँ पे यकीन करें ये जो बीच में मल्टी कलर की फ़्रॉक रखी हुई है, टंगी हुई है बैक साइड पर, यहाँ पे ये फ़्रॉक 4500 की थी। और यही फ़्रॉक मैंने सेंटर मॉल से 2500 में बाई की थी, और मैं उन बंदे को ये कहकर भी आई थी कि भाई क्या कर रहे हो 2500 की मैं सेंटर मॉल से लेकर आई हूँ। खैर वो भी मेरी शक्ल देख रहा है कि लकी वन में आकर मुझे बोल कह रही है। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें लेकर, मैंने जनरेशन से अपना सूट भी लिया था वही ग्रीन वाला जो कि आपने सेकंड डे के व्लॉग में देखा होगा, वो मैंने जनरेशन से लिया था और बहुत प्यारा वो मुझे लुक लगा। बट मेरे भाइयों ने उसकी ऐसी वार्ड लगाई थी कि तारिक रोड पर जो मतलब पैसे वगैरह मांग रही होती हैं ग्रीन सूट में तुम वही लग रही हो। भाई तो ऐसे ही होते हैं आप लोग के भी भाई, मुझे पता है ऐसे ही होंगे।
और यहाँ पर फरहान तक हार कर जो है बच्चों के साथ इस गाड़ी में बैठ गए थे और कह रहे थे कि भाई मुझे लियाकताबाद छोड़ के आ जाओ ताकि मैं इन बच्चों को छोड़ कर आ जाऊँ। खैर उसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रॉली को उठा दिया गया। थक गए हैं, कोई भी सूट मुझे समझ नहीं आ रहा है। जनरेशन पे मुझे एक सूट समझ आया और जो है और मुझे मेरा फेवरेट है चिकन के कुर्ते वगैरह, तो वहाँ पे मैंने एक सूट पसंद किया, वहाँ से एक सूट लिया और अब मैं आई हूँ डेट वन प्लेस मल्टी ब्रांड स्टोर। यहाँ पे देखे मैं क्या अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मुझे ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। ये कॉमन से सूट है कि दामन हुआ, बट मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे हैंड वर्किंग को हैंड वर्क हुआ हुआ था कंप्लीट। ट्राउज़र भी प्लाजो की तरह फुल कढ़ाई में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इसकी हैंड वर्क था क्या था मुझे नहीं पता, बट ये बड़ा ही मुझे प्यारा लग रहा था। और जब मैंने इसके प्राइस देखे तो इसके प्राइस थे 28,750। मैंने कहा भाई ये रख दो। सूट लिया था यहाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई भी मतलब सूट्स कलेक्शन, तो मैं देख रही थी ये इसमें का ब्लैक, ये ब्लैक देख रही थी, मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। आ चुके आउटफिट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी, मुझे लास्ट ईयर भी इनकी शर्टें वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगी थी। और आउटफिट आप बनाते हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम अंदर जाकर देखते हैं कैसी कलेक्शन है। इतनी शॉपिंग के बाद, इतने घूमने के बाद भूख ऐसी लग रही थी कि पेट में चूहे दौड़े। हम लोग पहुंच गए बंस रोड कैफ़े लजीज और यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में जाकर इस तरीके से बैठे थे जैसे हमारा अपना घर और अपना रूम हो, पाँव ऊपर करके रिलैक्स होके। और इसको तो इतनी भूख लग रही थी कि ये फ़ौरन से रायता आते ही खाने बैठ गया था। तो यहाँ पे जो मैं ब्लर कर रही हूँ इसकी पूरी रिकॉर्डिंग वो आगे आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था ये सारी चीज़ें देखकर कि मतलब यार कैसे कोई इस तरीके से कर सकता है। आप आगे जाके मेरी पूरी वीडियो देखिएगा एंड में मैं आपको डिटेल दूंगी कि ये था क्या। खैर फिर खाना आ चुका था, हम लोगों ने मंगवाया था मटन कढ़ाई, मटन पेशावरी कढ़ाई और यहाँ का स्पेशल चरगा जो कि मेरा फेवरेट है। आज इस रेस्टोरेंट में जाके मेरा इतना ज़्यादा दिल दुखा, इतना ज़्यादा मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मतलब कि अगर सही मायनों में कहा जाए कि मतलब एक गरीब की कोई भी वैल्यू नहीं है इस हिसाब से कि मतलब जो अपने साथ आते हैं उनको मुझे लगता है कि एक एक साथ अपने साथ बैठ के कुछ खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इतना हकीर किसी को भी नहीं समझना चाहिए, मेरा इतना दिल दुकानदार जाकर मैं आप लोगों को डिटेल घर जाके बता दूँ। लोगों से ये बात कर रही थी, मतलब एक फैमिली आई हुई थी, इतनी पूरी बड़ी फैमिली थी, मैं उन लोगों पर मतलब टॉन्ट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, बस एक इतना ज़्यादा मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो है मतलब गरीब अगर वो उनके पास काम करते उनके वर्कर हैं क्या वो रहा अपन ये रहा गाइस देख उनके वर्कर हैं तो मतलब अगर उनके पास उनके बच्चे संभालने के लिए केयर टेकर उन्होंने वो भी बच्चियां रखी हुई हैं तो मुझे तो नहीं लगता ना कि उनको मतलब पहले खुद खाना खाएं। सफान सबूत चुप, पहले खुद खाना खाएं उसके बाद जो है वो बैठे हुए साइड में उनके बच्चे संभाल रहे हैं और फिर जब खाना बच जाए तो उन तीनों बच्चों के उन्होंने आगे रख दिया जो भी बचा कुचा खाना था लेफ्ट ओवर जो किसे कहते हैं। और फिर इंतहा तो तब हुई जब अरीश मैंने और फरहान ने देखा, यार प्लीज़ मैंने देखा कि जो है ना एक कोल्ड ड्रिंक उन्होंने रखी कि वो तीनों बच्चे पी लेंगे। मतलब इस टाइप के भी दुनिया में लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया है उसके बावजूद भी उनकी सोच इतनी छोटी है कि जो है ना लोग के खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं। मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस, ऐसा लग रहा था मैं दिल से रो हूँ कि मैं इस हद तक तकलीफ हुई। फरहान बार बार कह रहे कि पागल हो गई हो, छोड़ो ये वो इग्नोर करो, बट मुझसे हो नहीं पा रहा था इग्नोर। और यकीन करें मेरा दिल बहुत बहुत ज़्यादा उदास हुआ था इस बात को देखते हुए। तो मैंने जहाँ तक मुझसे हो चुका मैंने उनकी मैं कहना चाहिए नहीं, मैंने उनकी हेल्प करी कि फरहान कह रहे नहीं उन्हें बुरा लगेगा उनके साथ जो आए मैं ये वो, मैंने कहा नहीं इससे कोई वो नहीं है, मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं किसी के लिए और क्या सोचते हैं। खैर मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चुप, इतना क्राउड हो रहा है केवल दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए, अल्लाह हाफिज़।